दोस्तों हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें सीजी टेक चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद यहां पर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की जानकारी मिले। नमस्कार दोस्तों, सी टेक में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपेंद्र कुमार, और दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें मैन्युअली ऐड कैसे डालते हैं, मतलब एक ही वीडियो पर आप बीच बीच में ऐड कैसे सेट करते हैं। तो इसका मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि गूगल का जो नया अपडेशन आया है जिसमें जो टाइम ड्यूरेशन है आपके वीडियो का, आप उसका जो शॉर्ट टाइम सेट कर दिया है। पहले जो था वो 10 मिनट का था जिसमें आप मैनुअली ऐड सेट करते थे, अब जो है वो 8 मिनट का हो जाएगा, और ये जुलाई लास्ट वीक से हो जाएगा। तो ये गूगल ने जो नया अपडेशन जारी किया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, और जो ऐड है वो आप जब मैनुअली सेट करते हैं एक ही वीडियो पर, जब बीच बीच में ऐड करते हैं तो उससे जो है आपका जो इनकम है वो ग्रो होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐड से सेट करना है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये अपना YouTube स्टूडियो का YTube स्टूडियो ऑन कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वीडियो के ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो भी वीडियो आपका 10 मिनट है या 10 मिनट से ऊपर है उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मेरा सेकेंड वाला वीडियो 10 मिनट कुछ सेकेंड का है, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पर डिटेल्स के ऑप्शन या वीडियो के ऑप्शन को क्लिक कर लूँगा। तो ये वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर ये इसका जो डिटेल है ये ओपन हो गया। अब नीचे में देखेंगे तो मोनेटाइजेशन के ऑप्शन हैं, इस ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो ये मैं ऑप्शन को सिंपली क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर मेरा मोनेटाइजेशन का ऑप्शन पे टिक है, और यहाँ पर जितने भी YouTube पर एड्स चलते हैं सभी पर टिक है। और यहाँ पर देखेंगे लोकेशन ऑफ वीडियो एड्स, तो उसके नीचे देखेंगे बिफोर वीडियो पर भी टिक है, और ड्यूरिंग वीडियो, तो ड्यूरिंग वीडियो के नीचे मैनेज MD रोल्स है उसमें आप सेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर में देखेंगे तो लर्न मोर है, तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि गूगल ने क्या अपडेशन किया है। तो जिसके बारे में मैं बता रहा था कि गूगल का जो न्यू अपडेशन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए गूगल ने 10 मिनट का वीडियो को अब जो मैन्युअली एड सेट करते थे उसको 8 मिनट का कर दिया है, लेकिन ये जो फीचर्स है वो स्टार्ट होगा आपका जुलाई के लास्ट वीक में, मतलब जुलाई के लास्ट में ये जो फीचर्स है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो 8 मिनट के वीडियो में भी आप जो ऐड है वो मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो ये गूगल के तरफ से बहुत अच्छी जानकारी है, तो ये इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइएगा। और यहाँ पर देखिए मैनेज MD रोल्स पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने वीडियो में जहाँ पर ऐड डालना चाहे वहाँ पर ऐड सेट कर सकते हैं। मेरे में अभी देखिए जो बीच बीच में ब्लैक डार्क ब्लैक दिखा रहा है वहाँ पर ऐड सेट है, और आप अपने हिसाब से मैन्युअली एक टाइमिंग पे ऐड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ऐड सेट है, यहाँ पर फिर एड्स जो भी लगेंगे उसको आप अलग अलग जगह पे मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग पे उसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में कंटिन्यू के ऑप्शन को आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। मेरा सेट पहले से है तो मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है ऊपर में देखेंगे ये ऑप्शन, इसको आपको सेव करना है। उसके बाद ही जो आपका ऐड जो सेट किए हैं वो आपका परफेक्टली सेट हो जाएगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पर चैनल पे बैक आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो वीडियो है उसमें ऐड सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।